हाँ सर, सम फेमस इन्वेस्टर्स से पीपल कांट बिकम रिच बाइंग एलिफेंट साइज लार्ज कैप RIL HDFC एज रिटेल इन्वेस्टर, हाउ टू टेक इट? आज ये अच्छा, डिस्कशन हो रहा था अगेन इस हमारे पे बीच। हुआ था कि जब 100 बिलियन डॉलर का भी मार्केट कैपिटलाइजेशन हुआ था एप्पल का, तो लोगों को लगा था और कितना ऊपर जाएगा, 100 के ऊपर कितना जा सकता है। जब गौरव ने वही ऑब्जर्वेशन बोला था 500 बिलियन डॉलर पे, जब वॉरेन बफेट ने उसमें इन्वेस्ट किया था एप्पल में, तो लोगों को लगा था क्या इन्वेस्ट कर रहे हैं उसमें, और वहां से ये 6 टाइम्स हो चुका है। सो एंड दैट टू, मतलब जर्नी इज नॉट लाइक 30-40 साल पहले की बात नहीं है, इट्स लास्ट टेन राइट फिफ्टीन की बात हम कर रहे हैं। तो ठीक है, आई थिंक इट्स ओके, देर विल बी लॉट ऑफ ओपिनियंस। सो इट्स मतलब अब रिलायंस के अगर रिटर्न्स हम देखते हैं लास्ट 4-5 सालों में, तो आप मल्टीप्लिकेशन देख सकते हो। और क्या आपको लगता नहीं है क्या कि इंडिया में कोई कंपनी 1 ट्रिलियन डॉलर की हो सकती है, या 2 ट्रिलियन डॉलर की हो सकती है, 3 ट्रिलियन डॉलर की हो सकती है? व्हेन वी आर सेइंग दैट कि बाय 2047 वी विल बिकम नंबर टू फ्रॉम GDP साइज, सो ये ट्रू। सारे फैक्टर्स अगर हम देखेंगे, तो GDP साइज से उतना होना, मतलब इमेजिन करो वो नंबर कितना बड़ा हो सकता है, तो उसमें कंपनीज भी बड़ी हो सकती है। सो लेट्स सी, नंबर्स आर नंबर्स। 1975 में 300-400 रुपए की सैलरी भी बहुत बढ़िया लगती थी, आज 1 लाख रुपए की सैलरी भी बहुत कम लगती है। सो दीज आर नंबर्स, सो कंपाउंडिंग वर्क्स एवरीवेयर। इफ दीज कंपनीज विल कीप ऑन परफॉर्मिंग मतलब उनका अगर अर्निंग्स 12-15% से ग्रो होते रहेंगे, तो फिर उनके स्टॉक भी वैसे ग्रो होने में कोई हर्ज नहीं होनी चाहिए। सो इट्स ऑल अबाउट ग्रोथ, अर्निंग्स ग्रोथ, और प्रॉफिट के बहुत साथ। इंटरेस्टिंग एनालिसिस परिमल, मैं कल सुन रहा था एक आर्टिकल पढ़ रहा था, तो वो भी एक चीज ये बोल रहे थे कि यूएस में भी जो चीज हो रही है कि इंडेक्स इन्वेस्टिंग की तरफ जैसे जैसे यूएस इज मूविंग राइट, वहां पर वो बता रहे थे कुछ नंबर की ऑलमोस्ट 50% प्लस नाउ मनी इज इन इंडेक्स इन यूनाइटेड स्टेट्स, स्पेशली वहां पर वो 401K होता है जो जैसे हमारा EPFO भी इन्वेस्ट ETF में डाल रहा है, तो सिमिलरली वहां पर लोग जो है वो टिपिकली इन्हीं ETFs में डालते हैं। तो देवर सेइंग कि जन मोर द मनी ग्रो गोज इन इंडेक्स, मोर द इट मनी बेसिकली फ्लोज इन टू लार्ज कैप्स, बिकॉज मेजरली जो इंडेक्स है वो सब लार्ज कैप्स के हैं राइट, एंड द हायर अमाउंट ऑफ मनी विच गोज इन लार्ज कैप्स, तो इट इज मोर एडवांटेजियस एक्चुअली, ठीक है, कि लार्ज कैप्स को वो हमेशा एक बेनिफिट मिलेगा कि यार ये है, जब तक वो पैसा उनके पास ऑटोमेटिकली आ रहा है, कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो उन्होंने कहा कि वो बहुत बड़ा रीजन है कि जो US में लार्ज कैप की लारी रैली जो हुई है, ठीक है, मेजरली बट जो वहां पर, आई स्टील की अर्निंग्स ग्रोथ वाज आल्सो अ सपोर्टिंग ऑफ फैक्टर। कोर्स कैपिटल हाँ वो तो है ही, वो तो मिला है ही ना, ही इसको कैपिटल मिल रहा है, आई थिंक दैट राइट कंपनी ग्रो इफ दे हैव गुड अपॉर्चुनिटीज टू ग्रो। सो आई थिंक, आई डोंट थिंक देयर इज एनी प्रॉब्लम।